ईरान ने बीती 1 अक्टूबर की रात इसराइल पर एक के बाद एक कई मिसाइलें दाग दी। इससे इसराइल के तेल अवीव शहर के लोग दहशत में आ गए, लेकिन वहां से मीलों दूर बाराबंकी जिले में भी कुछ लोग डरे हुए हैं, क्योंकि उनके घर वाले भी इसराइल में हैं। मैं इसमें बाराबंकी के सालेन नगर के बस्ती गांव में हूं, और मेरे साथ में जो इसराइल गए हैं पप्पू सिंह, उनकी माता जी हैं, उनकी पत्नी धर्म पत्नी है। मैं बात करूंगा क्योंकि इसराइल ईरान ने इसराइल के ऊपर अटैक किया है और 200 से ज़्यादा बम गिरा है। यहाँ से कुछ मजदूर गए थे बाराबंकी से, और मैं उनके माता जी से बात करूँ। क्या नाम है आपका? बासमती जी, आपका बेटा इसराइल गया हुआ है, खैर खैरियत मिलती है माँ? ठीक है। यहाँ से क्यों गए थे? अरे फिर गरीबी के लिए गए, पैसा कमाने के लिए गए। अच्छा, तो खतरा तो है, बम बम चल रहे वहाँ पे, खतरा है कि नहीं? नहीं खतरा तो नहीं, कोई खतरा नहीं। अच्छा, ड्यूटी कर रहे हैं, कहाँ काम करते हैं वो? खाना बनाने में। कोई परेशानी तो नहीं है, घबराहट तो नहीं है वहाँ पे? ना घबराहट, कोई घबराना है। रोजगार के लिए इसराइल गए लोगों के घर वाले परेशान हैं। उन सभी का दिल वहीं पर लगा है और बार बार वीडियो कॉल करके अपने परिजनों की खैर खबर पता कर रहे हैं। गए मजूरी करने के लिए, हमला हुआ है बैंकर के पास, लड़के हैं। अच्छा, तो चिंता तो हो ही रही होगी आपको? तो चिंता, हमारा लड़का है तो चिंता नहीं रहेगा। क्या चाहते हैं कि वापस आ जाए? वापस आएंगे, जब 20 लड़के हैं तो साथ में ही आएंगे। अच्छा, आपके गांव से 20 लड़के हैं? हाँ, बोलते हैं कि जब सब कोई आएगा तो हम आएंगे। कितने समय पहले हुई बात? तो भैया रोजे होते हैं, रोज होते हैं बात। क्या कहता है लड़का? क्या कहता है? कहते हैं कि गोला बंदूक चलता है और क्या। तो ऐसे में चिंता भी हो रही होगी? हम लोग कहते चिंता, जी का बेटा जाए का चिंता नहीं रहता है, चिंता तो रहते हैं। पेट के लिए तो भाई परदेश में निगड़े पर भी करी। बाराबंकी जिले में देवा थाना क्षेत्र के साहिल नगर नई बस्ती के कई लोग इसराइल गए हैं। यहाँ के जितेंद्र, रंजीत और अखिलेश समेत तमाम लोग इसराइल में रोटी रोजी कमाने गए हैं, लेकिन इसराइल और ईरान के बीच टकराव अब तेज हो चुका है। लगातार हो रहे हवाई हमलों के चलते वहाँ इन कामगारों के साथ यहाँ उनके परिजनों को काफी डर लग रहा है। परिजनों का कहना है कि जब उनके घर से लोग इसराइल गए थे तो शुरुआत में स्थिति ठीक रही, लेकिन हालात अब कुछ बदल गए हैं। 3-4 दिन पहले तो क्या बताया बेटे ने, क्या बताया वहाँ पर युद्ध छिड़ा है? युद्ध छिड़ा है, लेकिन वो सब ठीक है। ठीक है, कहते हैं सुरंग, जैसे वो वहाँ से जैसे गोला वोला छूटता है ना, तो सुरंग में आकर के चल जाते हैं। अच्छा, ये लोग सुरंग में चले जाते हैं। डर तो सता रहा होगा आपका बेटा वहाँ है? डर तो है। अच्छा, इजराइल में युद्ध शुरू हो गया, हमला हुआ है, क्या कैसा है लड़का? बातचीत हुई आपकी? बातचीत होता है, एकदम फोन करता। अच्छा, ठीक है? हाँ ठीक। तो क्या चाहती हैं आप? अरे चाहते हैं कि अपन सब कोई आएंगे तो उसके साथ में आएंगे, 10 हैं तो उनके आएंगे तो साथ में आएंगे, और अपन गए हैं मजूरी करने के लिए, कहते हैं कि सब कुछ का हो जाए काम तो साथ में आएंगे। टेंशन तो है ले है हमका, कि मैंने हमारे भैया अच्छा से रहे, अच्छा से आओ, अच्छा से जाए। वहीं इसराइल में मौजूद अखिलेश, रंजीत और जितेंद्र समेत अन्य लोगों ने वीडियो कॉल के माध्यम से बताया कि काम करते करते अचानक से सायरन बजने लग जाता है और मोबाइल फोन पर अलर्ट का मैसेज आ जाता है। अलर्ट मिलते ही वो अपने आसपास बने बंकर के अंदर जाकर अपनी जान बचाते हैं। उन लोगों ने बताया कि बम गिरने की आवाज भी आती है, जिससे उन्हें डर भी लगता है। प्रॉब्लम यही आ रही है कि जब ईरान से इस समय लड़ाई चल रहा है इजराइल का, ठीक है, तो कभी कभी रात में, दिन में जब वो लोग मिसाइल छोड़ते हैं तो हम लोग को जैसे सोए हैं रात में, उसके बावजूद नीचे उतर के भागना पड़ता है, बंकर ढूंढना पड़ता है, बंकर में जाके छिपना पड़ता है। अच्छा, बंकर में छिपना पड़ता है, तो वहाँ पे हालात कैसे हैं? कुछ वीडियो बनाए आपने? हाँ, वीडियो बनाए हैं, मतलब हालात सही हैं, जैसे उस दिन मिसाइल छोड़ रहे थे उसका वीडियो बनाए हैं हम। अच्छा। इन लोगों के घर वालों का कहना है
कि हमारे घर के बच्चे वहाँ के हालातों के बारे में हमें बताते रहते हैं। वहाँ पर काफी हवाई हमले हो रहे हैं, लेकिन जहाँ ये लोग काम कर रहे हैं वो जगह महफूज है। वीडियो कॉल पर उनसे बात होती है। जैसे भी कोई खतरे का मैसेज आता है वो अलर्ट हो जाते हैं और नीचे बंकर में जाकर छुप जाते हैं। परिवार के लोग दिन में कई बार वीडियो कॉल कर हालचाल ले रहे हैं, क्योंकि हर पल उन्हें उनकी चिंता लगी रहती है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के सालेन नगर के मैं बस्ती गांव में हूं, और बस्ती गांव में यहां के लोग जो हैं इसराइल गए थे, और इसराइल में करीब 30 से 35 लोग इसी गांव के यहां से गए हुए थे। लेकिन ईरान से जब से इनकी लड़ाई हुई है तो गांव वालों की चिंता बढ़ गई है, अपने के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। आज उन्होंने वीडियो कॉल से अपने लोगों के बारे में जानने की कोशिश की। अभी वहां पे सारे भारतीय सुरक्षित हैं। सरफराज, TV9, बाराबंकी।